दोस्तों मटन चिकन और फिश तो हम लोग खाते ही रहते हैं, मगर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी जो कि है बटेर की। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ 3-4 महीने मिलता है, सर्दियों में ही मिलता है और ये पटना में बहुत ही फेमस है दोस्तों। यहाँ के लोग ना इसको बड़े चाव से खाते हैं, तो उसकी रेसिपी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से इसको बनाया जाता है और टेस्ट करके भी देखेंगे कि कैसा है इसका स्वाद। दोस्तों कहते हैं कि इतना गर्म होता है ना कि अगर आप 1 से 2 बटेर अगर खा लेना पूरा का पूरा तो भाई साहब पसीने छुड़ा देता है। और आपने अगर ये बटेर कभी ट्राई किया है, पटना में किया हो या किसी और स्टेट में किया हो अगर, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर डाला जा रहा है सरसों का तेल, ये देखिए। तो सरसों का तेल भैया कितना लीटर तेल लगता है इसमें? 2 लीटर के करीब। देखिए दोस्तों 2 लीटर के करीब इसमें तेल डाला जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके मसाले तैयार किए जा रहे हैं। तो भैया कौन कौन से मसाले डाले जा रहे हैं इसके अंदर? इसमें डाले हैं कोलकी डाले हैं खड़ा, जीरा डाले हैं खड़ा, अच्छा, और लौंग डाले हैं, दालचीनी डाले हैं, अच्छा, तेजपत्ता डालेंगे, सूखल मिर्च लाल डालेंगे। अच्छा, तो ये आ गई सूखी लाल मिर्च। कितने के जी बटेर के लिए तैयारी कर रहे हैं फिलहाल? 50-60 बटेर की। 60 बटेर की? अच्छा, पीस का हिसाब होता है मतलब? जी ठीक। यह आ गया दोस्तों तेज पत्ता, ये देखिए तेल अच्छे से पक चुका है। इसका जो सरसों का एक कड़वापन होता है ना, तेल में से बिल्कुल निकल चुका है। तो यह आ गया दोस्तों हमारे गरम मसाले जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, सारे मिक्स किए हुए हैं। तो ये अब तेल में जाएंगे जी, फोरन है। ये फोरन है। तो ये देखिए दोस्तों ये डाल दिया गया है तेल के अंदर, ये चेक करो डाल। और अब डाला जा रहा है दोस्तों इसके अंदर प्याज, ये देखिए। तो कितना के जी प्याज होगा भैया ये? प्याज है 8 किलो। कितना? 8 किलो। 8 किलो, क्या बात है दोस्तों। ये देखिए 8 किलो प्याज इसमें डाल दिया गया है। अब इसको ना अच्छे से पकाया जाएगा और गलाया जाएगा जी। तो लगभग कितना टाइम लगेगा इसको गलने में? लगभग आपको होगा गलने में 20 मिनट। 20 मिनट के करीब। और ये गया दोस्तों इसके अंदर अब नमक, जो कि प्याज को गलने में और हेल्प करेगा, क्योंकि इससे ना पानी छोड़ देगा प्याज और जो जल्दी गलता है इससे नमक डालने की वजह से। तो देखिए दोस्तों प्याज को ना अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देने के बाद इसको ढका जाएगा ताकि जो हमारा प्याज है वो बढ़िया तरीके से गल जाए। तो ये ढक्कन की हेल्प से इसको किया जाना है। तो अभी इसको 5-10 मिनट तक ऐसे ही रखा जाएगा, गलेगा बस 10 मिनट पर। देखिए भैया प्याज गल चुका है 10 से 15 मिनट में, और लहसुन पेस्ट डाल रहे हैं, आधी लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, तो अब लहसुन का पेस्ट जा रहा है इसके अंदर जी। तो कितना लहसुन डाल रहे हैं इसके अंदर? लगभग इसमें लगभग 3 पौवा है। 3 पौवा मतलब 1 किलो में 250 ग्राम कम जी। 750 ग्राम, 750 ग्राम लहसुन का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट। और दोस्तों लहसुन, हाँ बताइए। इसको बढ़िया से भी भूंजेंगे, उसके बाद इसको हम ग्रेवी तैयार करेंगे बढ़िया से बना कर। अच्छा, भूंजला के बाद? बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों जो लहसुन और अदरक का पेस्ट गल जाता है ना किसी ग्रेवी में, तो उसका जो स्वाद है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। असली जो स्वाद है ना बेसिकली मसालों के साथ साथ लहसुन और अदरक का तो होता ही होता है, क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे ना तो किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में दोस्तों 750 ग्राम डाला गया और काफ़ी ह्यूज मात्रा में इसमें ना ग्रेवी तैयार की जा रही है। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं धर्मेंद्र कुमार जी, जो कि यहाँ के ओनर हैं। तो बटेर का आइडिया कैसे आया सर आपके दिमाग में कि बटेर बनाया जाए और लोगों को खिलाया जाए? बटेर एक्चुअली सर हम बहुत पहले से ही बनाते हैं। अच्छा, यहाँ के मशहूर दुकान मेरा है चंपारण मीट हाउस, पुराना असली यही बा चंपारण मीट हाउस, जो तारा मंडल के पास है। तारा मंडल के पास जी। अच्छा, तो कितने सालों से मतलब बटेर लोगों को खिला रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो मेरा 6 साल से दुकान हो गया। अच्छा, 6 साल से खिला रहे हैं। 6 साल से यहीं पे आप खिला रहे हैं यही? और बटेर के अलावा भी जैसे अलग अलग आइटम्स होती है? बटेर के अलावा हमारे पास मटन है, मटन हांडी है, चिकन है। अच्छा, चिकन हांडी है, मछली है, ठीक है, और मकई का लिट्टी मिलता है मेरे यहाँ। मकई का लिट्टी? मकई का लिट्टी, क्या बात है दोस्तों, ये भी एक अलग यूनिक आइटम है। तो क्या प्राइसिंग है बटेर की थोड़ा सा बताइए? बटेर चावल 150 रुपये है। 150 रुपये बटेर का एक पीस, एक और पीस चावल। बटेर और चावल, चटनी, सलाद, इस। अच्छा, तो 150 रुपये लेते हैं। 150 रुपये, क्या बात है। और मटन और चिकन? मटन है 130 रुपये 2 पीस मटन, और चावल चटनी सलाद। चिकन चावल 100 रुपया है 2 पीस, चिकन चावल चटनी सलाद, और मटन हांडी 1000 रुपये के जी है। 1000 रुपये के जी, और लिट्टी 10 रुपये पीस। 10 रुपये का पीस, ऐसे तो मेरे पास 12 मास मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन ठंडा में जब भी आप आइएगा तो अवेलेबल रहता है, लेकिन ऐसे
गर्मी में आप आइएगा मार्च के बाद, तो आप ऑर्डर दीजिएगा तो आपको 20 मिनट में मिल जाएगा आसानी से। यहाँ ई न्यूज सचिवालय है, ये मैंगलेश रोड बोला जाता है, बगल में विधानसभा है, ये विधानसभा का कैंपस है, ठीक है, और निर्वाचन विभाग बगल में ही है। तो दोस्तों हमारे प्याज जो है वो ऑलमोस्ट गल गए हैं, अब इसके अंदर डाले जाएंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जैसे कि ये है लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हल्दी। तो ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यानी कि दो चम्मच क्वांटिटी में ले लिया गया है और ये जाएगा हमारी प्याज वाली ग्रेवी के अंदर। तो देखिए दोस्तों हमारा जो बटेर है ना वो भी फ्राई होना शुरू हो गया, देखिए किस तरीके से इसको बढ़िया तरीके से फ्राई किया जा रहा है ये देखो। और इसको पहले फ्राई कर लिया जाता है फिर ग्रेवी में डाला जाता है? अच्छा, पहले फ्राई हो जाता है, हाँ हाँ, उसके बाद ग्रेवी में डाल दिया। क्या बात है। तो ये देखिए दोस्तों बटेर किस तरीके से फ्राई हो रहा है। तो अब दोस्तों हमारे जो बटेर है वो देखिए क्या बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है, अब ये सीधा जाएगा हमारी ग्रेवी के अंदर। ये क्या दोस्तों ग्रेवी के अंदर बटेर, ये देखो तो ये तैयार हो गया दोस्तों हमारे बटेर वाला ग्रेवी और बटेर, और ऊपर से गार्निश किया जा रहा है दोस्तों ये हरे धनिए के साथ, ये देखो। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से बढ़िया तरीके से इसकी ग्रेवी देख रहे हो क्या थिक बनी हुई है, और एक पीस लेते हैं, वाह। और इसके साथ आप थोड़ी सी मटन की चर्बी भी देते हैं? ये चर्बी है। अच्छा, ये चर्बी इसी में है, मतलब इसमें गली हुई है? अच्छा, ये देखिए दोस्तों साथ ही साथ इसमें ना चर्बी भी मिलती है। तो ये ग्रेवी और हमारा बटेर, वाह। तो आइए अब चावल के साथ इसको टेस्ट करते हैं। तो लिए दोस्तों ये लग गई हमारी बटेर की थाली, भाई 150 रुपये प्लेट है, और बनते हुए मैंने देखा बड़े मस्त तरीके से बनाया था। पहले इसको फ्राई किया गया, ग्रेवी अलग बनाई गई, बटेर फ्राई किया गया और उसमें ग्रेवी में डाल दिया गया और उसमें थोड़ा सा पकाया गया ताकि जो हमारा बटेर है वो अच्छे से कुक हो जाए। अब देखिए इन्होंने प्लेट में क्या क्या दिया है, यहाँ पे देखिए ये है बटेर, ये देखिए ये पूरा फुल प्लेट बटेर है ना, पूरा का पूरा पीस देख रहे हो क्या बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर चावल लिए, मैंने थोड़ा सा कम चावल लिया है क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा टेस्टिंग करना चाहता हूँ। और यहाँ पे दिया गया है दोस्तों ये प्याज और नींबू। तो ये ना सबसे पहले तो ये देखो, ज़रा चेक करो भाई साहब, देख रहे हो बटेर पूरे का पूरा पीस है ये और 150 रुपये का है दोस्तों। तो आइए इसको देखते हैं किस तरीके का इसका स्वाद। भाई बनते हुए तो मैंने देखा ना बड़ा मज़ेदार तरीके से बनाया गया था, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ना देखिए बटेर के साथ ना यहाँ पे ये देखिए ये मटन की चर्बी भी दी हुई है, ये देख रहे हो आप ये रही चर्बी। तो ये मटन के साथ, सॉरी बटेर के साथ ये फ्री का ही मिलता है ऑलमोस्ट मटन वाली चर्बी। तो आओ टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका कैसा है स्वाद। तो ये बटेर मैं इसको अलग निकाल लेता हूँ प्लेट के अंदर, है ना, और ग्रेवी लेते हैं थोड़ी सी चावल पे, और अब देखते हैं कैसा है स्वाद इसका। आओ मिक्स करते हैं अच्छे से, पास आइए ज़रा, ये देखिए चावल के साथ ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, और खुशबू जो है ना वो बड़ी मज़ेदार आ रही है दोस्तों, बड़ी लाजवाब खुशबू है। अब इसको करते हैं टेस्ट, आओ। तो ये बढ़िया सा मिक्स करके ना पहले चावल और ग्रेवी टेस्ट करते हैं ग्रेवी कैसी बनी है। काफ़ी स्पाइसी है, फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, गरम मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, इलायची लौंग का अच्छा फ्लेवर आ रहा, और जो ग्रेवी बनी है ना वो रिजेंबल करती है दोस्तों थोड़ी सी मटन की ग्रेवी की जैसी, बहुत लाजवाब है। अब ये ट्राई करते हैं अपना बटेर, ये देखो। और दोस्तों कहते हैं कि अगर बटेर आप एक बटेर खा लें या ना दो बटेर खा लें ज़्यादा तो भाई साहब गर्मी कर देता है। तो ये बटेर देखिए हमने एक, ये पूरा का पूरा पीस दिखाता हूँ पहले ना आपको, ये देखो देख रहे हो क्या बढ़िया ह्यूज पीस है ना, गर्मा गर्मा धुआं छोड़ रहा है। और इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। हालांकि ये जो पीस मतलब बटेर होता है ना हल्का सा चूई होता है, थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि ये ना इसको जो फ्राई किया जाता है, और ये जो चिकन जैसा पीस नहीं है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है ना जैसे जिस तरीके से चिकन, हल्का सा ये देखिए हार्ड है, देख रहे हो आप। ओहो हो, इसका जो पीस होता है ना जो इसका फ्लैश होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसको लेते हैं और टेस्ट करते हैं चावल के साथ, अच्छे से मिला के बाइट बनाते हैं और अब खा के देखते हैं कैसा है। स्वाद बड़ा लाजवाब है, हल्का सा मैं कहूँगा चिकन जैसा लग रहा है, मगर जो जैसे मैंने बताया ना इसका फ्लैश जो है वो हार्ड होता है, चूई होता है, और ऊपर से इसको पहले फ्राई कर लिया गया तो उसमें से और हार्ड हो गया। बट जब हम इसका बाइट ले रहे हैं, जब इसके जूसेस आ रहे हैं ना, फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है।
बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये चर्बी दी हुई है ना मटन की, ये लेते हैं थोड़ा सा। भाई मटन की चर्बी खाने का ना एक अपना ही मज़ा है ना। तो ये खा के देखते हैं। तो ये है दोस्तों इसका लेग पीस। भाई चिकन से तो बिल्कुल अलग है, आप देख सकते हो काफ़ी पतला सा है और मगर टेस्टी है दोस्तों। मैंने देखा ये एक चीज़ ना कि इसका जो मांस है ना, जो इसका फ्लेवर है वो थोड़ा अलग है बिल्कुल, और बहुत मज़ेदार है ये, टेस्टी है। ओवरऑल ये बहुत टेस्टी लगा मुझे, मज़ेदार है। आप भी अगर यहाँ पे आते हैं ना, आज हम कहाँ हैं, चंपारण मीट हाउस में, और सचिवालय के पास ही है ये, तो यहाँ पे आइए आप भी ट्राई करिए। एड्रेस सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया खा के, साथ ही साथ बनते हुए देख के। यहाँ पे ना मटन भी है, चिकन भी है, फ़िश भी है, और ये तो है ही है ना। तो आइए इंजॉय करिए खाना, और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों इस बटेर को मैं फिनिश करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। तो इस पूरे के पूरे बटेर को फिनिश करता हूँ, और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और नए स्वाद के साथ। अभी के लिए बाय बाय।